से जुड़ी कुछ खबरें। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने पहलवान नरसिंह यादव को 5 अगस्त से शुरू हो रहे रियो ओलंपिक में भाग लेने के लिए क्लीन चिट दे दी है। नाडा की अनुशासन समिति ने नरसिंह यादव को नाडा के डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के आरोपों से बरी कर दिया है। नरसिंह के ओलंपिक में भाग लेना अब विश्व कुश्ती संघ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के निर्णय पर निर्भर है। जो 74 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग के नरसिंह यादव का नाम फिर से शामिल करने पर विचार करेगा। पहलवान नरसिंह यादव ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद नरसिंह ने डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें ओलंपिक्स खेलों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। हमारे साथ नरसिंह यादव हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है बातचीत के लिए, उनसे बात करते हैं। नरसिंह जी, आप अभी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए हैं, बिल्कुल उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि मस्त हो गया, आप स्पोर्ट्स करो, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, बाकी अपने देश के लिए आप बहुत अच्छा कर रहे हो और अच्छा करो, मेडल जीतो ओलंपिक से। लगता नहीं है कि जिस तरीके से आपके साथ इनजस्टिस होता रहा और जिस तरीके से आपने अन्याय का प्रतिवाद किया, कहीं ना कहीं जस्टिस आपको मिला और जस्टिस के बाद आप रियो जा रहे हैं खेलने के लिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने इस पूरी प्रक्रिया में पहल की और जल्दी जल्दी मुझे न्याय दिलाया, बाकी हमारे जो फ्रेंडर्स हैं हमेशा मेरे साथ खड़े रहे शुरू से और उनके जैसे मतलब मैं मोटिवेट भी हुआ और मुझे न्याय मिला, मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ, सभी मीडिया सभी जनता ने मुझे सपोर्ट किया। बाकी यही है कि अब सब कुछ भूल के ओलंपिक्स इतने पास है तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ कि अपने देश को वहाँ से मेडल दिलाऊं। आखिरी सवाल कि देश जो नौजवान हैं जो पहलवानी आगे करना चाहते हैं उनको नरसिंह यादव से कितनी प्रेरणा मिलेगी, अन्याय के खिलाफ लड़ने में कितना सहायक होगा? बिल्कुल, देखिए किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं नहीं कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी मतलब स्पोर्ट्स के प्रति उन्होंने रुचि दिखाई है और काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया जिससे कि मुझे न्याय मिल पाया है और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, तो इन सबका और पूरे जनता और पूरे मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ, सभी ने मुझे सपोर्ट किया जिससे मुझे न्याय मिल पाया। डीडी न्यूज से बातचीत करते हुए नरसिंह यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रधानमंत्री ने विपरीत परिस्थितियों में मदद की है और देश की जनता और मीडिया का भी उन्होंने साधुवाद किया है कि तमाम लोग विपत्ति की इस घड़ी में हमारे साथ खड़े रहे और इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरामैन राकेश के साथ संसद भवन परिसर से राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।